हाय एवरीवन, आप जानते हैं हम स्वयं एमएल के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फीचर एक्सट्रैक्शन वर्सेस फीचर सिलेक्शन। इन इस टॉपिक को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड किया हुआ है बिकॉज एक वीडियो फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। इस सेक्शन में बात करने वाला हूँ आपसे अबाउट फीचर सिलेक्शन। इन दोनों चीज़ों को हमेशा साथ में इसके लिए एक्सप्लेन किया जाता है और इसके लिए हम यूज़ भी कभी कभी कर लेते हैं इन्हें, क्योंकि ये दोनों इस कैटेगरी में आते हैं कॉल्ड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में आपके पास कुछ 100 फीचर्स है। अब 100 फीचर्स में ज़रूरी नहीं है कि हर फीचर इम्पॉर्टेंट हो। F1, F2 से लेकर आपके पास 100 फीचर्स है, 100 कॉलम्स। फीचर्स का मतलब हो गया कॉलम्स। अब ऑब्वियसली इसमें से एक कोई कॉलम होगा जो टारगेट वेरिएबल होगा। मान लेते हैं कि F100 इज द टारगेट वेरिएबल, तो ये हमारे इनपुट फीचर में नहीं गिना जाएगा। तो अब आपके पास बचे 99 पॉसिबल इनपुट फीचर्स। अब 99 फीचर्स से अगर आप कोई ML मॉडल बनाओगे और आप ट्रेन करोगे उसको, तो ऐसा हमारा काइंड ऑफ इम्प्रेशन होता है कि जितने ज़्यादा फीचर्स उतने बेटर, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आप कभी सब फीचर्स लेकर मॉडल को ट्रेन करें और मॉडल फिर वो रिग्रेशन मॉडल हो या क्लासिफायर मॉडल हो, तो हम नोटिस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि परफॉर्मेंस मेट्रिक एक्चुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब सवाल उठा कि ये जो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स या नंबर ऑफ फीचर्स हैं जितने बढ़ते गए, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी एक्यूरेसी या हमारा परफॉर्मेंस मेट्रिक एक्चुअली बेटर होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इनफैक्ट हमारा परफॉर्मेंस मेट्रिक एक पॉइंट के बाद गिरना शुरू हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ML मॉडल में सब फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ फीचर्स रिडंडेंट होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट होते हैं और मिसगाइडिंग होते हैं। उनको अगर आप फिल्टर आउट कर लें तो बेटर होगा। अब फिल्टर आउट कैसे करें? इन 99 फीचर्स में से मान लो कोई आपको कहता है या आपको ऐसा फील होता है अपने ML मॉडल के प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस से कि 20 फीचर्स ही इंपॉर्टेंट है, तो इस 99 में से आप 20 चूज कैसे करो? दो तरीके हैं उसको चूज करने के, एक होता है फीचर सिलेक्शन, दूसरा होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। अब जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है फीचर सिलेक्शन के बारे में। फीचर सिलेक्शन, एक बात मैं बोलना भूल गया अपने इस कॉन्वर्जेशन में कि ये जो प्रॉब्लम होती है कि जहाँ हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं और हम अगर अपने मॉडल को ट्रेन करें और हमें कम परफॉर्मेंस मेट्रिक आता है, इस प्रॉब्लम को कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी भी कहते हैं। मतलब डायमेंशनैलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, ML मॉडल बहुत बढ़िया बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो तो उल्टा ही हो गया। सो टू मेनी फीचर्स इज एक्चुअली अ कर्स, सो वी हैव टू रिड्यूस इट। अब रिड्यूस करने के लिए आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन पॉपुलर दो हैं। एक थ्रेशोल्ड बेस्ड मेथड्स, जो आपको एग्जांपल वन में बताऊंगा, वेरिएंस बेस्ड मेथड्स, जो आपको एग्जांपल टू से बताऊंगा। एग्जांपल वन, प्लीज रिकॉल कीजिए, हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया है फीचर इंजीनियरिंग ऑन टेक्स्ट डेटा। वहां पर हम लोग ने बैग ऑफ वर्ड मॉडल, रिकॉल कीजिए जरा, बैग ऑफ वर्ड मॉडल या बैग ऑफ एनग्राम वर्ड मॉडल, ये दो मॉडल्स आपने पढ़े थे मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें हम लोग ने ये वाला क्लास यूज किया था, काउंट वेक्टराइजर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है काउंट वेक्टराइजर का, कि वो आपके टेक्स्ट डेटा को लेकर न्यूमेरिक वेक्टर्स बनाएगा। लेकिन क्या मैं हर वर्ड को कंसिडर करूं? क्या मैं ऐसे वर्ड्स ड्रॉप नहीं कर सकता जिनका मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0.1 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0.8? समझाता हूं आपको कि इनका मतलब क्या होता है। min underscore df का फुल फॉर्म है मिनिमम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, max df का मतलब है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जहां पर 10,000 यूनिक वर्ड्स है, 10,000 यूनिक वर्ड्स है मेरे डॉक्यूमेंट में। तो ऑब्वियस सी बात हुई कि जब हम बात करें तो इस डॉक्यूमेंट को, अगर हर यूनिक वर्ड को अगर मैं फीचर कंसिडर करूं, तो इस डॉक्यूमेंट से मुझे 10,000 फीचर्स मिलते हैं। अब 10,000 फीचर्स पर मैं जाकर कोई ML मॉडल को ट्रेन करूंगा तो इट विल टेक मी डेज एंड ईयर्स। सो ऑब्वियसली 10,000 फीचर्स को तो हम कंसिडर करने वाले हैं नहीं। नाउ द पॉइंट इज दिस कि ये 10,000 फीचर्स में से
आप काफ़ी फीचर्स ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब काफ़ी वर्ड्स ड्रॉप कर सकते हैं, जिनका मिनिमम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हमारे स्पेसिफिकेशन का, तो मैंने 0.1 दिया है, याद कर लीजिए, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 0.8 दे के रखी हुई है। तो मिन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 0.1 का मतलब हम वो वर्ड्स को ड्रॉप कर देंगे, ध्यान से सुन लीजिए एक बार और, हम वो वर्ड्स को ड्रॉप कर लेंगे जिन जो 10% से कम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। मतलब जो 10,000 यूनिक वर्ड्स आपके पास है ओवर अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें वो वर्ड्स जो 10% से कम टाइम आते हैं, 10% से कम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। चलो एक और एग्जांपल इसी में ऐड कर देता हूँ। सपोज आपके पास 100 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 10,000 यूनिक वर्ड्स हैं और उसमें कोई वर्ड केवल 9 डॉक्यूमेंट्स में आता है, तो 9 डॉक्यूमेंट में अगर कोई वर्ड आता है तो वो फिर 10% से कम हो गया, तो उन वर्ड्स को आप ड्रॉप करोगे। उसका उल्टा सोचिए, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 0.8 दी हुई है मैंने यहां पर एग्जांपल में, तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वर्ड 90 डॉक्यूमेंट्स में आता है, 90 आउट ऑफ 100 90 डॉक्यूमेंट्स में कोई वर्ड अपीयर करता है, तो उसको भी मैंने कंसिडर नहीं करना, उसको भी हम ड्रॉप कर लेंगे। तो इसकी वजह से काफी वर्ड्स ड्रॉप हो गए। मान लो ये फिल्टरिंग करने के बाद 10,000 में से आपको 3,500 फीचर्स केवल मिले, ये काफी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है फिल्टर करने का। अब जो 3,500 फीचर्स आपको मिले हैं उसमें से भी आपको सब कंसिडर नहीं करने, उसमें से भी आपको 2,000 फीचर्स ही कंसिडर करने हैं। जो फर्स्ट 2,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आपको कंसिडर करना है, और वही हमने लिखा है यहां पर मैक्स फीचर्स इक्वल टू 2,000। सो आई होप काउंट वेक्टराइजर आपको क्लियर हुआ। काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम कुछ ज्यादा नहीं करते, टेक्स्ट डेटा पर फिट कर देते हैं। तो अगर इस पर 10,000 यूनिक वर्ड्स होंगे शॉर्टलिस्ट होकर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 2,000 मिलेंगे, फिर उस पर आप अपना ML मॉडल को ट्रेन कीजिए। जिस फंडा से इसने काम किया सेम फंडामेंटल एस्पेक्ट वेरियंस थ्रेशोल्ड का भी है। वेरियंस थ्रेशोल्ड में केवल इतना डिफरेंस है कि हम लोग मिन और मैक्स नहीं फाइंड करते, हम फाइंड करते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या होता है। वापस मैं इसी स्पेस को यूज करता हूं फॉर माय रफ वर्क। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट टारगेट वेरिएबल है। अगर मैं किसी इनपुट को चेंज करूं, मैं किसी इनपुट को अगर चेंज करता हूं, मान लेते हैं मेरे पास इनपुट 1 है और उसको मैंने कुछ चेंज किया है, उस पर मैंने कुछ डेल्टा किया है, प्लस माइनस किया उस पर मैंने कुछ, तो क्या मेरा आउटपुट चेंज होता है? क्या आउटपुट में कोई असर पड़ता है? अगर आउटपुट में असर पड़ता है तो इसका मतलब देयर इज अ वेरियंस हियर। कितना असर पड़ता है वो वेरियंस मेजर करता है। तो हमने यहां ये लिखा है वेरियंस थ्रेशोल्ड का ऑब्जेक्ट बनाकर कि मुझे वही टर्म्स चाहिए अपने इनपुट में, वही फीचर्स चाहिए अपने इनपुट में जिनका मिनिमम इन्फ्लुएंस आउटपुट में 0.2 मतलब 20% का है। तो अगर मैं इनपुट को चेंज करूं, डेल्टा करूं इनपुट पर, तो मेरा आउटपुट चेंज होना चाहिए बाय एटलीस्ट 20%, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20%। अगर वैसा है तो वो इनपुट फीचर को वो रखेगा, अदरवाइज वो इनपुट फीचर को ड्रॉप कर देगा। यूजुअली जो टेक्स्ट डेटा होता है उस पर हम काउंट वेक्टराइजर अप्लाई करते हैं, और जो न्यूमेरिक बेस्ड डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है, उस पर हम लोग वेरियंस थ्रेशोल्ड अप्लाई करते हैं। आप तो ये बात जानते हैं कि हमारे जो भी वीडियोस यहाँ बन रहे हैं दोज आर सपोर्टेड स्ट्रांगली बाय आर जुपिटर नोटबुक्स, बाय आर कोलैब नोटबुक्स जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा पैटर्न इस तरीके से है कि हम चाहते हैं कि पहले आप वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और फिर रीडिंग पार्ट कीजिए थ्योरी का, जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट रीइन्फोर्स हो जाए माइंड में, और फिर कोडिंग एग्जाम्पल से इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। सो हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।